अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सायन सुलहरी और आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं और किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इससे पहले कि प्रोग्राम को शुरू किया जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले प्रोग्राम के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, मैं आपसे जो बातें करने जा रहा हूँ वो रियलिटी पे बेस्ड करती हैं, क्योंकि हम जो इन्वेस्टमेंट घर या शॉप या किसी भी चीज़ के अंदर करते हैं वो हम मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है। हमने पूरी ज़िंदगी के अंदर जो कमाया होता है वो हम अपने घर की सूरत में या अपनी इन्वेस्टमेंट की सूरत में या अपनी शॉप की सूरत में हम उसको कर देते हैं। हम इवन के गाड़ी भी नहीं खरीदते, हम अपनी प्रॉपर्टी बनाने का सोचते हैं कि हमें कल को चार पैसे बच जाएंगे। देखिए, हालात जिस तरह के चल रहे हैं, सरकमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं चलता। तो आपको करना ये चाहिए कि जो पैसे आपके हाथ में मौजूद हैं उनको इन्वेस्ट कीजिए, बजाय इसके कि आप फ्यूचर प्लानिंग करें कि हम इस तरह करेंगे, हम इस तरह कर लेंगे या हम 50,000 रुपये, लाख रुपया हम आगे दे देंगे। हालात जिस तरह के चल रहे हैं, इस वक्त कोई भी बंदा कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता कि आप कितने पैसे दे देंगे या कितने पैसे कर लेंगे। इस वक्त कारोबार के भी बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, कारोबार भी बंद पड़े हैं और आपको नहीं पता चलता कि आपने किस तरह से अपना गुजर बसर करना। तो मेरी ये सजेशन आप उन तमाम लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्वेस्ट वहां कीजिए जहां पे चीजें बन रही हो। कोई ब्रांड हो तो बहुत अच्छी बात है। इस वक्त ब्रांड के अंदर, यानी कि बैरिया टाउन की मैं बात करूंगा, ब्रांड के अंदर बैरिया टाउन के अंदर भी वही रेट चल रहे हैं जो आप स्कीम 45 या स्कीम 33 के अंदर लेने जाते हैं, वही सेम रेट इस वक्त बैरिया टाउन के अंदर चल रहे हैं और लिविंग स्टाइल स्कीम 33 स्कीम 45 से बहुत बेहतर है। तो लिहाजा मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट अपनी करनी होती है उसको किसी ब्रांड के अंदर लेकर जाएं, बजाय कि आम नामों के अंदर आपको पता नहीं होता कि किस तरह से कब कोई चीज़ मुकम्मल होगी। बैरिया टाउन के अंदर एक चीज़ तो वाजह है कि बैरिया टाउन अपने तमाम वेंडर्स, यानी कि जो भी बिल्डर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको पाबंद करता है कि 4 साल के अंदर अपनी कमर्शियल बिल्डिंग्स को रेडी करें और उनके पोजेशन दें। इसकी वजह से हमारी ये इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाती है। इस वक्त तक अगर आप देखें, एक्यू मॉल, अब्दुल समद मॉल और बहुत सारे दूसरे मॉल इस वक्त जो चल रहे हैं उनके काम शुरू हो गए हुए हैं और वो बहुत तेज़ी के साथ फ्लरिश कर रहे हैं और उनकी जो प्राइजेस हैं वो भी इंक्रीज हो चुकी हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद को तफसीलात जानना चाह रहे हो तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।